मुंबई में 26 ग्यारह जैसे हमले करने की धमकी का एक्शन यूपी से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। पुलिस को जिस पाकिस्तानी एक नंबर से शुक्रवार रात को व्हाट्सएप मैसेज आया है, इसमें यूपी एटीएस का भी जिक्र है, साथ ही यूपी एटीएस के चीफ व अन्य अधिकारियों का भी नंबर है। सुरक्षा एजेंसी इसको यूपी में एक हफ्ते के अंदर गिरफ्तार किए गए 3 आतंकियों के मामले से जुड़ा हुआ मान रही है। यूपी के साथ अन्य प्रदेशों की भी एटीएस अलर्ट पर है। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल पर व्हाट्सएप नंबर से एक धमकी भरा संदेश आया था, जिसमें लिखा गया था कि शहर में दोबारा 26/11 जैसा आतंकी हमला किया जा सकता है। यह मैसेज पाकिस्तान के एक नंबर से भेजा गया था। इसके बाद यूपी एटीएस हाई अलर्ट पे आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।